क्या आपको पता है मनाली का आखिरी गांव रोहतांग पास हाईवे पर पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं मनाली में कुछ अलग देखने का, समथिंग यूनिक, समथिंग पीसफुल, समथिंग ऑफबीट, तो आप कोठी विलेज विजिट कर सकते हैं। ये विलेज कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का लास्ट इनहेबिटेंट विलेज है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज हम जा रहे हैं मनाली के लास्ट विलेज में, जिसका नाम है कोठी विलेज। ये रोहतांग पास हाईवे पर पड़ता है और मनाली से 14-15 किलोमीटर दूर है। तो काफ़ी सुना है कोठी विलेज के बारे में, तो चलिए आज मनाली के लास्ट विलेज तक आपको घुमा के आते हैं। कोठी विलेज एक बहुत ही सीनिक जगह है जो मनाली आकर विजिट की जा सकती है, एंड इट विल बी वर्थ वॉचिंग। मनाली से कोठी विलेज तक का जो ये रास्ता है, ये बहुत सुंदर है। आपको हर मोड़ पर रुकने को मजबूर ज़रूर करेंगे। अब मैं मनाली की कितनी ही तारीफ करूं, यहाँ की खूबसूरती तो आपको यहाँ आकर ही देखनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी रोहतांग पास वीडियो में बताया था, कोठी विलेज जाने के लिए भी आपको पलछान से राइट साइड डाइवर्जन लेना पड़ेगा और बस यहाँ से कुछ ही देर में आप पहुँच जाओगे मनाली के आखिरी गांव में। और ये हम पहुँच गए हैं कोठी विलेज। यहाँ गाड़ी विलेज तक नहीं जाती है, थोड़ा सा हमें पैदल निकलना पड़ेगा। गाँव का ये जो छोटा सा पाथ है, ये भी इतना सुंदर व्यू दे रहा है। सामने वो पूरे बर्फीले पहाड़ हैं, ये इस तरफ मुझे सेब का बगीचा दिख रहा है और यहाँ पे भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ की पूरा ना गर्दन ऐसे उठानी पड़ रही है देखने के लिए। और ये आप यहाँ पे भी घर देख सकते हैं, कार्टूनी स्टाइल में बनाए गए हैं। लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है सर्दियों के लिए। छोटे छोटे सेब। तो अभी हम यहाँ इस विलेज के एकदम टॉप पे आ गए हैं और यहाँ से ये पूरा हमें विलेज दिख रहा है। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 30 घर हैं इस विलेज में और आधे से ज़्यादा तो पुराने हिमाचली आर्किटेक्चरल स्टाइल से ही बनाए गए हैं, बट कुछ घर मुझे अभी नए नए सीमेंटेड वाले भी दिख रहे हैं। तो सच में ये गाँव इतना सुंदर है, इतना शांत है। इस पूरे गाँव में मुझे अपनी ही आवाज़ गूंज रही है और लग ही नहीं रहा है कि मनाली से सिर्फ 15 किलोमीटर में दूर खड़ी हूँ। और ये गांव जहाँ बसा है, यहाँ से भी पूरा आपको ये बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखेगी। यहाँ एक ये यहाँ कोठी विलेज से आगे आपको कोई हैबिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से आगे आपको सिर्फ सुंदर वादियाँ, बर्फ़ से ढके पहाड़ और फाइनली रोहतांग पास देखने को मिलेगा। वैसे आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मनाली से रोहतांग तक ट्रैक करके जाना पसंद करते हैं, एंड कोठी विलेज इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर कैंपिंग। ये जगह नेचर लवर्स, पोएट्स, पेंटर्स, इन सब के लिए एक आइडियल साइट है जिसे साल में किसी भी दिन विजिट किया जा सकता है। विंटर्स में वैसे यहाँ बहुत स्नोफॉल हो जाती है, फिर भी ये जगह सोलांग वैली जितनी क्राउडेड नहीं होती। कोठी विलेज के सामने जो पहाड़ हैं, वहाँ से कई वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। इस गांव में आकर आप नेचर के साथ कुछ टाइम बिता सकते हैं, हाइक्स पर जा सकते हैं और यहाँ की ये खूबसूरत हिमालयन रीजन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और क्या पता आपको भी इस गांव की सादगी से प्यार हो जाए। तो यूजुअली हर हिमाचली गांव में ना आपको ऐसे घर मिलेंगे, नीचे लकड़ी इकट्ठी करने की जगह के लिए होता है और गाय बछड़े के लिए, और ऊपर वो खुद रहते हैं। अगर यहाँ आप लोगों का आने का मन है कोठी विलेज में, तो आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे ना होम स्टेज या रूम्स ना एज सच अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इसके आसपास कहीं लेना है तो मेन रोड पे है, वहाँ काफ़ी मुझे होम स्टेज और होटल्स भी दिखे थे, बट यहाँ गाँव में कोई नहीं है। कोठी विलेज आज भी एक रॉ और ऑफबीट जगह है, इसीलिए शायद बहुत कम लोगों को इस जगह के बारे में पता है। अगर आप भी मनाली के मॉल रोड,
ओल्ड मनाली या सोलांग वैली के अलावा कुछ नया और रॉ देखना चाहते हैं तो आपको ये गांव ज़रूर विजिट करना चाहिए। आई होप आपको ये गांव और ये वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।